उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान शाम 5 बजे खत्म हो गया है। पहले चरण में 24 जिलों के 230 नगर निकाय के लिए वोटिंग कराई गई थी। मतदान खत्म होने के साथ ही 26,314 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटी में बंद हो गया। वैसे ये चुनाव देश के सबसे बड़े सूबे में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाले आदित्यनाथ योगी की पहली अग्नि परीक्षा थी, लेकिन अब ये 1 दिसंबर को ही साफ होगा कि योगी इस अग्नि परीक्षा में पास हुए या नहीं। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने भारी संख्या में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में हिस्सा लिया। बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष और युवा सुबह से ही मतदान के लिए पोलिंग स्टेशन पर लंबी कतारों में दिखे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने भी वोट डाला और बीजेपी की जीत का दावा किया। सुबह से ही अलग अलग जिलों में नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग चल रही थी। शाम होते होते मतदान में थोड़ी तेजी तो आई, लेकिन कई इलाकों से विवाद और फर्जी मतदान की खबरें भी सामने आईं। कानपुर में मतदाताओं ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। लोगों का आरोप था कि बटन कोई भी दबाओ, कमल को ही वोट जा रहा है। इसके बाद लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच निर्वाचन अधिकारी और पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचे। विरोध बढ़ता देख पुलिस ने लाठियां भी भांजी। वहीं दूसरी ओर छुटपुट हिंसा की खबर भी आई, जहां मेरठ, बिजनौर, शामली और अयोध्या में दो गुटों में फर्जी मतदान को लेकर मारपीट हुई। हालांकि पुलिस ने सारे मामलों को संभालते हुए पहले चरण के मतदान को शांतिपूर्ण समाप्त करवाया। आपको बता दें कि इस चरण में कुल 230 नगर निकाय पर प्रत्याशी के भाग्य का फैसला होगा। इनमें 5 नगर निगम, 71 नगर पालिका परिषद और 154 नगर पंचायत शामिल हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।